मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ही एसटीएफ ने 263 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस स्मैक की कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी क्रम में एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह भी हमारी टीम ने 1.5 किलो स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया था और इसी कड़ी में एएनटीएफ की टीम ने 263 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी तस्कर से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी एएनटीएफ की टीम है, लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहाँ आगे सप्लाई करने जा रहा था, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।